कारागार से किसी भांति निकल गए, परंतु यमुना के इस रुद्र रूप का सामना कैसे करूंगा? यमुना की धारा ऐसे बह रही है मानो अभी प्रलय हो जाएगी। इस अबोध बालक को लेकर भला मैं कैसे इस वेगवती नदी को पार कर पाऊंगा? सहायता करो ईश्वर, पथ प्रदर्शन कीजिए प्रभु। ये हाथ है मेरा, कंस का मस्तक नहीं। परंतु तुम्हारे कोमल हाथ इतने कठोर हो सकते हैं, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कठोरता तो आपने दिखाई है माधव, पहले ही क्या कम विपदाएं उठाई थी इस वसुश्री ने, जो आपने उन्हें गोकुल में ले जाने का कार्य सौंप दिया, वो भी उस काली रात्रि में। और यमुना देवी, वो क्यों इतनी उग्र बन गई थी? उन्हें तो इस स्थिति में स्वसुश्री की सहायता करनी चाहिए थी, परंतु वो उनके रास्ते की बाधा बन गई। आखिर ऐसा क्या बैर था उनके साथ? किसने कहा कि देवी यमुना पिताश्री से बैर कर रही थी? उन्हें तो स्नेह था मुझसे, उन्हें मेरा मुख देखने की और मेरा स्पर्श करने की व्याग्रता थी, और इसी सरल स्वभाव को पिताश्री भी तुम्हारी तरह उग्रता समझ बैठे।
नहीं मेरे लाल, इसके पश्चात तुम्हारा मुख देख भी पाऊंगा या नहीं। मैं संसार का सबसे अभागा पिता हूं, ना चाहते हुए भी तुम्हें अपने से दूर करना पड़ रहा है, परंतु मैं सौभाग्यशाली भी हूं कि मैं तुम्हें जीवन दे पाऊंगा। हमें शीघ्र अतिशीघ्र सबकी दृष्टि से बचकर नंद के भवन पहुंचना होगा। ठीक है भैया, कल मिलेंगे जमुना जी के किनारे। अरे नहीं भैया, कल तो अपने लल्ला का पूजन है। अच्छा, लल्ला लल्ला मुनिया, लल्ला को खिलावे दुनिया, लल्ला को देख चले इस नवजात शिशु से बिछो नहीं चाहता मैं। कितने भारी मन से इसे छोड़कर जा रहा हूं बता पाना कठिन है, परंतु इसके अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं मेरे पास। देवी यशोदा, आशा करता हूं आप इसका ख्याल रखेंगे। आज से संसार इसे मेरे नहीं आपके नाम से जानेगा। पिता के पास मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है मेरे लल्ला। ये मोर पंख अवश्य है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इसे अपने मस्तक पर धारण करना, जिस प्रकार आज इसने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार तेरा विवेक बनकर सारा जीवन तेरा मार्ग प्रदर्शन करे। क्षमा करना देवी यशोदा, विधाता ने यह खेल किसी महान उद्देश्य से रचा है। जिस प्रकार उसने
मुझे और देवकी को चुना है, उसी प्रकार आपको भी चुना है। आपको कदाचित पता नहीं चलेगा कि मैं अपने पुत्र को यहाँ छोड़कर आपकी पुत्री ले जा रहा हूं। मैं अवश्य आपकी मूर्छा टूटने तक रुकता, तो मेरे पास समय कम है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा पहुंचना है। मुझे आज्ञा दे देवी। देव नदी यमुना, क्षमा कीजिएगा, मैं आपका मंतव्य नहीं समझ पाया था। आप मेरे लाल के स्पर्श मात्र की इच्छुक थी, आपने मुझे अपना मार्ग दिया, मैं इसका सदैव आभारी रहूंगा। Come on.
पुत्र ने जन्म ले लिया और तू सो रहा है। लल्ला के जन्म के उपलक्ष में कल नंद भवन में महान उत्सव मनाया जाएगा और इस उत्सव के प्रमुख अतिथि होंगे मथुरा नरेश, कंस। ये क्या लीला है माधव? पिता श्री वासुदेव ने आपको कंस के कारागार से निकाला और उसका निमंत्रण कंस के यहाँ भी चला गया। यदि बाबा कंस को निमंत्रण देने नहीं जाते तो उन्हें इस बात का ज्ञात कैसे होता कि समय का चक्र क्या मोड़ लेने वाला है।